आदाब नाजरीन, सैयारा न्यूज टीवी में आपका खैर मकदम है। मैं आपका दोस्त सैयद अफरोज। आइए देखते हैं कुछ खबरें। AIMIM नामपल्ली MLA जाफर हुसैन मेरा साहब ने आज भोजागुट्टा, शिवाजी नगर, विवेकानंदा नगर, श्रीराम नगर का पैदल दौरा किए। इस मौके पर आसिफ नगर कॉरपोरेटर मोहम्मद मूसा, एक्स कॉरपोरेटर ख्वाजा मोइनुद्दीन के अलावा दिगर लीडर्स भी मौजूद थे। आज भोजागुट्टा, शिवाजी नगर, विवेकानंदा नगर, श्रीराम नगर तीनों एरिया का मैं दौरा किया हूं। यहां पर हुकूमत तेलंगाना ने आज से 5 साल पहले डबल बेडरूम का फाउंडेशन डाले और यहां के लोगों को ये एश्योरेंस दिलाए थे कि यहां पर हम डबल बेडरूम जल्द से जल्द बनाएंगे। इसके लिए ये लोग को प्रोसीडिंग भी दिए थे, मगर अनफॉर्चुनेटली डबल बेडरूम का काम शुरू हुआ। करीब 500 चिल्लर लोगों को उनका पोजीशन सर्टिफिकेट देने के बाद उनको खाली कराया गया। बाकी लोगों को पोजीशन सर्टिफिकेट दिया मगर उनको खाली नहीं करे, मगर उसके बाद में यहाँ पर डबल बेडरूम का काम रुक गया है। तो मैं आज आने का मेन मकसद यह है कि हमारी पार्टी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन नखीब मिल्लत की सदारत में और हबीब मिल्लत की क़यादत के अंदर हम गरीबों के जो भी फ़ायदा होता है वेलफेयर के लिए आगे बढ़ के आते हैं। हम ये देखें कि यहाँ पर ये प्रॉब्लम बढ़ते जा रहा है तो हम हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि हम यहाँ पर जितने लोग सबसे पहले खाली करके गए उनके ब्लॉक सबसे पहले बनाइए, बना के उनको हवाले करिए, और बाकी जो दो लोग हैं उसके अंदर कुछ लोग को पट्टा चाहिए, कुछ लोग को डबल बेडरूम चाहिए, तो जिसको डबल बेडरूम चाहिए उनका भी ब्लॉक बनाइए, जिसको पट्टा चाहिए उनकी भी मीटिंग करेंगे। मीटिंग करके उनको बोलेंगे जब अगर फर्ज करिए उनको पट्टे में रहना चाहते हैं, उनको डबल बेडरूम की ख्वाहिश नहीं है, तो उनके लिए भी अपन डिस्कशन करेंगे और हुकूमत का पैसा भी बचता। तो इसके लिए मैं ख़ास तौर से आने का मतलब, मैं GHMC के कमिश्नर, हाउसिंग के चीफ इंजीनियर, कलेक्टर, इन सब से मैं बात करूंगा, क्योंकि आज से 4 दिन पहले एक मीटिंग हुई थी डबल बेडरूम की। उस मीटिंग के अंदर जनाब KTR साहब और तमाम के तमाम मौजूद थे। उन लोग का जब वो टाइम पे ऑब्जेक्शन आया कि भाई यहाँ पे खाली नहीं कर रहे हैं, तो मैं बहसियत AMLA में ठहर के ये बोला हूँ कि भोजागुट्टे को जब तक पूरे तौर के ऊपर अपन क्लियर नहीं बात करेंगे, भोजागुट्टे को हाथ नहीं लगाना, टेम्पररी लोगों को इधर उधर ले जाके नहीं डालना। और मैं 100% आपको एश्योरेंस दे रहा हूँ, हमारी पार्टी के जाने से हमारी पार्टी प्रेसिडेंट यही चाहते हैं कि डबल बेडरूम बनना, मगर लोगों को बेघर नहीं करना। जिस जगह पे डबल बेडरूम, जैसा जियागुड़े के अंदर डबल बेडरूम बना है, जहाँ पे खाली करे वहीं पे बनाए, उन लोगों को वहीं पे फिर दिए। उसी तरह सैदाबाद पे भी बनाए, वहीं पे दिए। ऐसा सिटी के अंदर कई जगह लोकेलिटीज खाली करके डबल बेडरूम बनाए तो उनको वहीं पे अकोमोडेट करे, ना कि ले जाके शहर के बाहर दिए। तो यहाँ के लोगों का भी मुतालबा है कि इनको यहीं पे डबल बेडरूम होना। तो मैं इन सबको एश्योरेंस दिलाना चाहता हूँ कि बराबर हमारी जमात आपके साथ ठहरी हुई है और हमारी जमात ठहर कर ये काम कराएंगे, इसका मैं आपको एश्योरेंस दे रहा हूँ। क्योंकि मैं जानता हूँ कि जो भी चीज़ है, अभी तक कम्युनिकेशन गैप की तरफ से कुछ लीडर अपनी लीडरी चलाने की तरफ से ये गैप हुआ। जो लोग लीडरी चला रहे हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि गरीबों की जिंदगी से मत खेलिए। गरीब बड़ी उम्मीद लगाता है आपके झूठे वादों की तरफ से, आपके झूठे वादों की तरफ से गरीब ये सोचता है कि शायद मेरा ऐसा फायदा हो जाएगा, मगर हमारे को यहाँ पे पॉलिटिक्स करना नहीं है, गरीबों का घर यहाँ पे दिलाना है, उसके लिए हमको ठहर के ये घर दिलाएंगे। मैं इसीलिए कहना चाह रहा हूँ, मैं पूरे तौर पे यहाँ पे इंस्पेक्शन किया हूँ, मैं पूरा मुतमईन हूँ, मैं खुद अपना जिम्मेदारी लेके पूरों की लिस्ट लेके कलेक्टर से, GHMC कमिश्नर से, जरूरत पड़ने के ऊपर KTR साहब से भी बात करके ये काम को रिजॉल्व करके काम करा के देंगे हम। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज जो है नामपल्ली MLA जनाब जाफर हुसैन मेराज साहब भोजागुट्टा, शिवाजी नगर, विवेकानंदा नगर और श्रीराम नगर का पैदल दौरा करके हमारी तकलीफ़ को सुने, हमारे जो है प्रॉब्लम्स को देखे, और डबल बेडरूम का ख़ास प्रॉब्लम हमारे को है यहाँ पे, जो है कितने की साल 30 साल से जो है हम लोग यही बस्तियों में रह रहे, यही जो है हालत में हमारे जिंदगियाँ गुजर रहे। हम जो है KCR साहब से और KTR साहब से और कलेक्टर साहब से ये गुजारिश करते हैं कि जो है हमारे डबल बेडरूम प्लाट्स जो है हमारे जो बना के देते बोले, वादा जो करे वो हमारे को जो है यहीं पे बना के देते बोल के आज MLA साहब भी आके हमारे से वादा करें। तो मैं अदबन आप लोगों से गुजारिश करता हूँ कि जो है आप लोग सारे लोग जो है हमारे भोजागुट्टा, शिवाजी नगर, विवेकानंदा नगर के जितने भी लोग लोकल लोग यहाँ पे रह रहे हैं, उन सबको भोजागुट्टे पे ही डबल बेडरूम बनाने के लिए मैं आप सबसे गुजारिश करता हूँ। और
कुछ लोग आकर जो है सियासी तौर पर आकर जो है हमारे को डरा रहे धमका रहे। हम किसी से डरने वाले नहीं हैं और हम ये अकीदे पे हैं जब तक सांस रहेंगे हम लोग भोजागुट्टा शिवाजी नगर श्री राम नगर और विवेकानंदा नगर के पूरे बस्ती के लोग यहीं रहेंगे। कोई हम आपको डरा के यहाँ से खाली कराने की जो है हम वो उम्मीद नहीं रख लो। आप लोगों से गुजारिश है कि जो है हम लोग को यहीं पे डबल बेडरूम बनाने की कोशिश करिए। जजाकल्ला, अस्सलाम वालेकुम। जाफर हुसैन मेरा जो साहब हमारे को बोल के गए, अकीदा दिला के गए कि यहीं देते बोल के, तो उनकी बात पे हम यकीन करते और उनकी बात पे हमारे को यकीन है, इसलिए आप लोग हमारे को यहीं दो, यहाँ से हटाओ ना को, हम लोग कहीं जाने वाले तो नहीं है। आप लोग हटाएंगे भी तो हम लोग जाने वाले नहीं हैं। क्यों बोलेंगे, बहुत गरीब हो रहे हैं, बहुत मेहनत करना तो खाना उनकी ज़िंदगी, कोई लंगड़े लुल्ले है, कोई गरीब बुढ़े वो है, तो कैसे जाएंगे। अब आप लोग जाओ बोले तो नहीं जा सकते, होता ही नहीं हम लोगों का जाना। बस आप लोग हमारी मेहरबानी करो, आपका बहुत बड़ा एहसान होगा जो हमको यहीं बना के देंगे। तो जो भी देते, जितना भी देते, छोटा देते, मोटा देते, जो भी देते, हमको यहीं बना के दे दो। तो जैसा कि आपने देखा नाजरीन, क्या हो रहा है देश और दुनिया में, इसी तरह के लेटेस्ट न्यूज़ देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और हमें दीजिए इजाज़त।